अच्छा बाबूजी, मैं गायक अशोक लाल यादव ग्राम मुरकिया गाद गाजीपुर की धरती से एक आप लोगों के बीच में बिरहा छोड़ रहा हूं, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पहले बिरहा जो सुने हैं उसी तरह से इस बिरहे में भी प्यार दुलार देंगे। हमारे बिरहे का शीर्षक है फर्जी प्यार में परिवार की हत्या उर्फ शबनम कांड। चार लाइन भूमिका लिखे हैं हमारे कवि उमेश कालिया। प्यार ना हो तो सृष्टि अधूरी है यारो, प्यार नाम से कलयुग कलंकित हुआ, वासना में भी प्यार न पूरी हुई, राधा कृष्ण का प्यार अलंकित हुआ। प्यार में लोग जब जब अंधा हुए, क्या से क्या कर गए लोग भूले नहीं, इस जमाने में कुछ लोग गंदा हुए। लिख उमेश कलम से शर्मिंदा हुए, हमारे कवि जी लिखते हैं कि प्यार ना हो तो सृष्टि अधूरी है यारो, प्यार नाम से कलयुग कलंकित हुआ, वासना में भी प्यार ना पूरी है यारो, राधा कृष्ण का प्यार अलंकित हुआ, प्यार में लोग जब जब अंधा हुए, क्या से क्या कर गए लोग भूले नहीं, इस जमाने में कुछ लोग गंदा हुए, लिख उमेश कलम से शर्मिंदा हुए। कवि जी की कलम भी शर्मिंदा हो गई बाबूजी इस गाने को लिखने में। अगर प्यार नहीं होता तो सृष्टि का रचना अधूरी रहती है यारों। हमारे कवि जी लिखे हैं कि पहले के लोग मोहब्बत करने वाले एक लोग थे, जैसे कि लैला मजनू, हीरा रांझा, जूली फरहा, मीरा ने भी प्यार किया था बाबूजी, जो कि प्यार में विष को पी लिया था। लेकिन वाह रे आज का समाज और आज का इंसान, प्यार में अंधा हो जा रहे हैं लोग, यह नहीं देखते कि कौन मेरा भाई है और कौन मेरा बहन है, प्यार में अंधा होकर के ऐसा लोग गंदा काम कर देते हैं जो कि गीत लिखने वाला भी कलम शर्मिंदा हो जाती है। गजल कलाइन बा कि जब रात रही बा की कुछ, जब रात रही बा की कुछ छिप जाई अजोरिया जईहा, बाकी कुछ छिप जाई अजोरिया अजईहा, मनावा के प्यास बुझावे बदे, मनावा के प्यास बुझावे बदे छिप जाई अजोरिया अजईहा। दो लाइन हमारे कवि नारी के ऊपर लिखे हैं कि नारी सृष्टि की रचना है, नारी सृष्टि की
रचना है रचना ही जब ये टूट गया। नारी ही सृष्टि की रचना है रचना ही जब ये टूट गया। कैसे दुनिया ये भूलेगी कैसे दुनिया ये भूलेगी फर्जी प्यार में अपने छूट गए। बाबूजी जी हमें से नज्म कलाइन देहल गई कैसे मास्टर? समय जब रूठती है दर्द सबको होता है समय जब रूठती है दर्द सबको होता है अपने के भूख से परिवार पूरा रोता है। जिला अमरोहा में हसनपुर थाना है जिला अमरोहा में हसनपुर थाना है गांव है बावन खेड़ी वहीं का अफसाना है। मास्टर शौकत अली मास्टर शौकत अली इज्जत खूब कमाए हैं मास्टर शौकत अली इज्जत खूब कमाए हैं पत्नी हासमी का साथ भी निभाए हैं। अनीस बड़ा साहिब छोटा बाला लनवा हो अनीस बड़ा साहिद छोटा बाला लनवा हो सब नम बेटी बाड़ी भरल बाया गनवा हो। पढ़ाई तीनों की बराबरो कराए हैं पढ़ाई तीनों की बराबरो कराए हैं बेटी बेटा में ना फर्क वो दिखाए हैं। सबनम शिक्षा मित्र बन के घर में आई है सबनम शिक्षा मित्र बन के घर में आई है पूरा परिवार में खुशी की लहर छाई है। बाबूजी जिला अमरोहा में एक हसनपुर गांव पड़ेला उसी हसनपुर गांव के अंतर्गत बाबूजी जिला अमरोहा में एक हसनपुर थाना पड़ता है उसी हसनपुर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम बावन खेड़ी बताया गया। बाबूजी उसी गांव की एक कहानी है उसी गांव के मास्टर शौकत अली पत्नी का नाम हाशमी बताया गया। हाशमी के गोद में तीन ठे फूल देले बाटन भगवान। बड़ा बेटवा का नाम अनीस बा छोटका बेटवा का नाम शाहिद बा। बाबूजी एक बेटी भी देले बाड़न जिनकर नाम शबनम बतावल गेल। बाबूजी जो शबनम अनीस शाहिद दोनों से बड़ी थी शबनम अनीस और शाहिद दोनों से बड़ी थी एक बराबर बाबूजी पढ़ाई कराए हैं। बाबूजी तीनों का बराबर बराबर पढ़ाई कराए हैं किसी को बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझे हैं पढ़ाई अच्छी कराए हैं। शबनम पढ़ लिख के आ शिक्षा मित्र में बाबूजी टीचर का नौकरी पा जातड़ी। अरे वाह आ शिक्षा मित्र में नौकरी जब पहले बाड़ी गांव के ही स्कूल में पढ़ावे जात बाड़ी बाबूजी तब हैल कबा मास्टर तर्ज लग गई।
उहे तर्ज बा, बहुत पुरान तर्ज बा, लेकिन आज भी लचक बा एह तर्ज में। मिले ना तुम तो दिल घबराए, मिले ना तुम तो दिल घबराए, मिले तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। गिराह के भाव में हमार कवि जी के लिखे के पड़ल, गाँव में के इस कुलवे में रोज सब नम जाली पढ़ावे, टीचर के नौकरी लागल, टीचर के नौकरी लागल, गाँव में के बाबा गांव कही स्कूल में बाबूजी पढ़ावे रोज जातड़ी, रोज का काम बाटे। अंतरा का भाव में लिखे के पड़ल, बाबा बारे चांद बाबू रहिया पकड़ के जाली आरा मशीन बा संभालावा, टीचर के नौकरी लागल, टीचर के नौकरी लागल, गांव के ही स्कूल में नित्य का काम बन गया बाबूजी स्कूल में जाकर पढ़ाना। और ज्यादा पढ़ाने का वक्त मिलता नहीं था, पढ़ाते क्या वो समय बिताने में लगी रहती थी। मोबाइल सलीम का नंबर ले लिए, गांव के ही जो आरा मशीन पड़ती थी बाबूजी, उस गांव का ही लड़का सलीम नाम बताया गया, वो लेबर का काम करता था। मैं आरे के मशीन पर दोनों में नैना चार हो गई बा, यानी प्यार हो गई बा बाबूजी। दोनों रात भर बात करें, एक दिन खबर बाबू माई के भी पता चल गई बाबूजी। दूसरा अंतरा में लिखे के पड़ल, प्यार के खबर जब पता चलल बा परिवार के, बनम के बंदी से लागल दाग लगेला संसकार में, बंदिश के असर ना भई, बंदिश के असर ना भई, फोनो से बतियावे टीचर के नौकरी लागल, टीचर के नौकरी लागल, बंदिश के असर ना भई, बाबूजी उन दोनों में प्यार इतना गहरा हो गया कि
दोनों अंधा हो जाते हैं, ये नहीं दिख रहे हैं कि कौन माई है कौन बाबूजी है। दोनों प्यार में पागल होकर बाबूजी बात करते थे। जब स्कूल पर जाए खातिर रास्ता उहे रहल जौन की आरा मशीन पर जौन लेबर का काम सलीम करत रहले, आरा के मशीन पे सलीम रहत बाड़न, उसी सलीम से शबनम की नजर लड़ जाती है, ननाचार हो जाता है। तो बाबूजी तीन छिपाए ना छिपे चोरी हत्या पाप, ये तीनों चीज छिप नहीं सकती बाबूजी, कितना छिपाओ। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी प्यार का पता जब माई बाबू के चल बा, तब बेटा बेटी के समझावत बाना लोग, बेटी के समझावत बाना कि प्यार में दोनों इतना अंधा हो गए हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता। एक दिन माई शबनम के पास बुलौले बाड़ी आ बुला के एगो बात कहतरी, मास्टर तर्ज लग गई। अरे पजरा बोला के धोखा कईला भूलैला काहे नहीं लगाई के, शबनम के बुलावत बड़ी की है बेटी इन्हें आवा समझावत बड़ी का कहत बड़ी। शबनम के माई समझावे हो बेटी राख पापा के इज्जतिया, पापा के भैया समान हो, लजिया बचाला बेटी बढ़ी जाई मान हो, सब समाज सब पूजतिया बेटी राख पापा के इज्जतिया, कही समाज सही रामदेव भैया। माई एक दिन बुला के शबनम के समझावत रही कि हे बेटी तोहरे हाथ में हमनी के इज्जत बा, आपन पापा के इज्जत मत बिगाड़ा। सब गांव में ऐसा जोन काम करत अड़ू कि गांव के पता चली तो लोग का कही, सब हमनी के इज्जत के माटी में मिल जाई आ सब थू थू करे लगी, बेटी ऐसा काम मत कर, ई गांव के लोग जब जान जाई हमनी के तो कुजात निकाल देही। लेकिन शबनम नहीं मानती है, करती है क्या बाबूजी, तर्ज लग गया। हाँ हाँ वाह 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 बहुत पुरान तरज बा कि आंगन में फूला फूले गेंदावाए नदी, अरे आंगन में फूला फूले गेंदावाए नदी, बाजला बधैया दुआरे पारो, लेकिन ऐसे बढ़िया भाव हमार बिरहा में कवि उमेश कालिया लिखत बाड़न, बंदिशा से सबनम उबी गईलिए भैया, योजना बनवली सबके मारे के हो, योजना बनवली सबके मारे के हो।
शबनम सलीमा के जब फोन से बुलावाली भैया योजना बनौली सबके मारे बाबूजी। शबनम इस बंदिश से इतना परेशान हो गई कि एक योजना बनाती है कि न रही बांस न बाजी बांसुरी, न रही बांस न बाजी बांसुरी बाबूजी, उहे काम करे के योजना बनाई जो कि नहीं करना चाहिए था। पूरे परिवार को मारने की योजना बनाने लगी बाबूजी। एक दिन शबनम सलीम को फोन करती है और कहती है कि ऐ सलीम, एक पत्ता नींद वाली गोली लेकर आना और कटारी भी साथ में लेकर आना, कटारी भी साथ में लेकर आना और मेडिकल पर जाके एक पत्ता वाली नींद का गोली लेके आना। ये हमको रोक रहे हैं, हम दोनों को बंदिश बना रहे हैं, इन लोगों को मारना है। और इसी रात में बाबूजी सलीम वही करता है जो शबनम कहती है। शाम को खाना में नींद वाली गोली मिला के बाबूजी सबको सुला देती है और सुत गई खाना खा के बाबूजी। तब कैले कबाड़ी शबनम तेरी का भाव में लिखे के पड़ा मास्टर। अरे पपिनिया प्यार में धोखा कर गई, अरे मोर राम, अरे पपिनिया प्यार में धोखा कर गई, धरती अंबर रोवे नारी रूप अनोखा, अरे अनोखा, अरे अनोखा। बाबूजी पपिनिया प्यार में धोखा कर गई, धरती अंबर रोवे नारी रूप अनोखा, पपिनिया प्यार में धोखा कर गई, बहुत बड़ा धोखा कर गई बाबूजी। ये नहीं सोच रही है प्यार में पागल होकर ये सब धोखाबाजी वाली काम कर रही है। विदेशिया का लाइन में लिखे के पड़ल मास्टर। अरे 14 तारीखिया बा, अरे चौथा महीना हो, शबनम के बदनावा, नींद वाली गोली देखे सबके सुताई दी गली, अटाटली कटरिया से पूरा खाना दाना। भाई अनिश शहीद, अरे माई के काटी दिहली, भाभी अंजम राशिद कटली गोदी के लाला नावा, अरे रुबिया के कटली जवान मौसी के लई किया हो, अरे पापा के चलवली
मनावा। बाबूजी 14 अप्रैल का दिन वह काला दिन आया जो कि बाबूजी बड़ी भयानक रात, भयावह और भयानक रात 2008 का दिन शबनम पर भूत सवार बाबूजी करत कबाड़ी शबनम, शबनम और पूरा खानदान को मारने का जो प्लान बनाया बाबूजी, मारना शुरू करती है कटार सबको लाइन से और बारी बारी से सबको काटना शुरू करती है बाबूजी। वह पापिन जो कि शबनम पर भूत सवार था, सबसे पहले अपने भाई अनीस, शाहिद, माई, भाभी, अंजम, राशिद और एक गोंद में जवन की बाबूजी छोटा सा नन्हा सा लड़का बाबूजी गोंद में जवन भाभी का गोंद में सुतल बाहू के छोड़ लेने के पापी, वहू लड़का का गर्दन धर के उतार दिली भैया बाबूजी। उस मासूम बच्चे ने क्या किया था बाबूजी, जो कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा गर्दन पर, बताइए उसको थोड़ा भी दया नहीं आई कि ये बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, ये क्या जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गर्दन को बाबूजी धड़ से अलग कर देती है, पूरा उतार देती है बाबूजी। उसके बाद एक रिश्तेदारी से उसकी मौसी की लड़की आई थी उसी दिन, उस लड़की का नाम रुबिया बताया गया बाबूजी, उसको भी मार देती है नहीं छोड़ती है। उसके बाद ओसारा में जाकर देखती है कि पापा ही अब बच्चे हैं, इस ओसारा में जाकर सोए हैं, उनके ऊपर भी चलाती है कटार। तबले अचानक ठीक से नहीं खेल लागल बाबूजी कटारू, पापा के थोड़ा ही गर्दनवा पर लागल बा छटक गिलवा, पापा जाके उठ गिलवान, देखत न पूरा घर में लाश का बौछार लगल बा बाबूजी। देख के बाबूजी बेटी से कहत न कि अरे बेटी शबनम ई का करत बाड़ू, बेटी के तो कुछ नहीं खेलो कत, हमरो ऊपर वार करत रू बेटी, हमके का करत रू, हम का कैले बनी तुहार। कटार बाबूजी तानती है, तब तक एगो बात कहत बान बाबूजी, का कहत बानन, तरज लग गई अरे बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी लेकिन शबनम के बाबूजी रो रो के वो बात कहत बाड़न कि हमारी बेटी हो, हमारी बेटी हो, काहे के मरलू पूरा परिवार, हमारी अरे बेटा नहीं बेटा जैसे कैली तोहरो पलनवा, अरे जवन मंगलू लाई के देहली, अरे तोलू आ जयर मनावा, हमारी बेटी हो, हमारी बेटी हो, काहे के मरलू पूरा परिवार, हमारी बेटी हो, आखिरी समय में खुश रहले का कैले पापा दुलारावा,
तोड़ला से पपीलिया दोबारा से अरे टूटल अंतिम यादारावा हमारी बेटी हो हमारी बेटी हो काहे के मरलू पूरा खानदान हमारी बेटी हो अरे बेटी ई का करत बाड़ू सबनम तो पागल हो चुकी थी बाबूजी उसके ऊपर तो भूत सवार था सबनम को समझाते समझाते बाबूजी भी रोने लगते हैं कि अरे बेटी तोहके हम पढ़ौली लिखौली आ बेटी नाही बेटा जैसन तोहके प्यार दुलार देहली पढ़ौली पालन पोषण कैली खियौली पियौली पढ़ौली आजीवन मंगलू उलिया के हम तोहके देहली बेटी लेकिन ई का करत बड़ू बेटी ई का करत बाड़ू बेटी सबनम नहीं सुनती है दोबारा कटार को चलाती है बाबूजी और सर और धड़ को अलग कर देती है पापिन और करती है क्या बाबूजी अल्लाह के भाव में कवि जी लिखे हैं अरे डाकू आइले घर में कई के चिल्ला ले ऊ पपिनिया भैया दौड़त सब आए पूरा गौनाई जवान गुली सके सुसना चाचा दिहले दही छनड़ा भैया पुलिस छान बिना करे आई के मझा लसिया पोस्टमार्टम खातिर गैली हॉस्पिटलवा भैया देखते रिपोर्ट मिलल ऐसन एकता मुवाला से पहले निकलल नींद वाली गोलिया बाबू पुलिस कैला से सक में गिरफ्तार होनावा के जांच जत पुलिस कैला से भैया सब नम सलीम दैले जेला ओही बार करी रिपोर्ट जब सबनम के आइल भैया पेटवा में पलत रहे पापी के आधार बाबूजी चिनाले लगती है पूरा जोर जोर से वो पापिन कि डाकू 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 सभी लोग जग जाते हैं गांव में के और दौड़ के आते हैं देखते हैं तो सब अवाक अवाक हो जाते हैं बाबूजी सबनम के चाचा बगल में ही रहते हैं वो दौड़ कर आते हैं देखकर वो भी अवाक हो जाते हैं कि अरे ई का भयल और सूचना देते हैं पुलिस को पुलिस आती है छानबीन करती है पहले घर की तलाशी करती है पहले घर की तलाशी करती है सभी लाश को बटोर ले जाती है ऊपर बाबूजी चिथड़ा चिथड़ा हो गई बा शरीर हो पूरा जब धड़ से अलग गर्दन आ शरीर से पूरा मुड़ी अलग अलग जब उठो ले भी पुलिस से वो बोर्ड
कपड़ा में बांध के पूरा जी से बाबूजी कपड़ा जवन धोबी धोवे ले जाना अपन घाट पर धोवे ले जाना वैसे बांध के पूरा बाबूजी पुलिस पूरे शरीर को बांध कर पोस्टमार्टम करती है। तो शरीर से एक नींद वाली गोली मिलती है बाबूजी पोस्टमार्टम के बाद, तो शक में पुलिस शबनम को गिरफ्तार करती है और फोन कॉल का भी रिकॉर्ड जो जांच करती है तो फोन में भी सलीम और शबनम का कॉल रिकॉर्ड पाया गया। जब डॉक्टरी रिपोर्ट शबनम को हुआ तो उसके पेट से सलीम का पलता हुआ बच्चा मिला बाबूजी। इस जमाने में बेटी और बेटा पर कैसे करे विश्वास कोई, पहपट का लाइन में लिखे के पढ़ल मास्टर। और के करी विश्वास यहाँ संतान धोखा के कई गई, और के करी विश्वास यहाँ संतान धोखा के कई गई, आ कैसे बची मान यहाँ संतान धोखा के कई गई। विश्वास यही नया का जहान से, अब बेटा बेटी रहत बाणे अपने गुमान से। अरे शबनम समाज में अभिमान सम्मान के ढह गईली, आ कैसे बची मान यहाँ संतान धोखा के दई गईली। फांसी के आदेश सुन के पपिनिया घबराईली हो, राष्ट्रपति भवन में गुहार के लगैली हो। अरे चांद के भरोसे से जेल यातना के सह गईली, अरे चांद के भरोसे से जेल यातना के सह गईली, आ कैसे बची मान यहाँ संतान धोखा के कई गईली। बाबूजी शबनम को और सलीम को कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट में फांसी की सजा सुनाती है कि बहुत बड़ा अन्याय पाप ये दोनों किए हैं। जब इतना बात सुनती है वह पापिन तो घबरा जाती है और राष्ट्रपति जी के भवन में जाकर गुहार को लगाती है, लेकिन कोर्ट अभी मानने को तैयार नहीं है बाबूजी। बाबूजी जो उस पापिन का बच्चा गर्भ में पल रहा था, 9 महीने के बाद जब घर से बाहर आता है तो उस बच्चे का नाम चांद रखा गया, उस चांद के भरोसे से जेल में सजा काट रही है। खड़ी कलाइन लिखे के पड़ल मास्टर। अरे कोर्ट दिहले मालिक के बहुत अधिकार हो, तब से माई बाबू के, अरे तब से माई बाबू के टूटल बाया धार हो, तब से माई बाबू के। अरे भैया हमारे प्रकाश भैया तारे राम के बाबू। प्यार खाली मांगेला बुढ़ौती में जाई के, बेटा बेटी धोखा देले नजर छुपाई के। अरे दाग लागे दोष देले, दाग लागे दोष देले परिवार के संस्कार हो,
तब से माई बाबू के, अरे तब से माई बाबू के टूटल बाया धार हो, तब से माई बाबू के का आदेश जब से हो गया है कि 18 वर्ष का बालिक अपने आप कोई काम कर सकता है, तब से माता पिता का आधार टूट गया है। यही से हमारा बाबूजी कहानी खत्म होता है। गुरु घराने का परिचय है। राम हित गुरु सीताराम के कोई नाही पई है, किशोर के चरणों में उमेश जीवन के बीतई है। अरे पपिनिया प्यार में धोखा कर गई, अरे पपिनिया प्यार में धोखा कर गई, गायक अशोक लाल बिरहा के नया धरोखा, पपिनिया प्यार में धोखा कर गई। बाबा